Cheers to 1000 kilometer of my this road trip. Check the mic and make sure it sound right, boys. तो गाइस इस समय शाम के 5 बज रहे हैं और मेरे पीछे आप ये मंदिर देख सकते होंगे। कल रात में मथुरा रेलवे स्टेशन पे अपनी रात गुजारी। सुबह में जब उठा, उससे पहले क्या रात में ही उठा हुआ था, पूरी गाड़ी मेरी सीट से भर गई थी ओस इतने ज्यादा, और कल 6 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। उसी सीट से मैंने अपने कार को क्लीन कर लिया, उसके बाद निकला। आज मैं घुमा हूँ द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, वहां से निकला भगवत गीता मंदिर गया, उसके बाद यहाँ निधि वन, और उसके बाद ये रंगनाथ मंदिर। तो आज 4-5 बहुत अच्छे अच्छे मंदिर और बहुत अच्छी अच्छी जगह को एक्सप्लोर किया है। बहुत अच्छा रहा आज का पूरा दिन। उसकी एक सेपरेट वीडियो होगी जो आप लोग को देखने को मिलेगा कि आज मथुरा और वृंदावन में मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया है। अब पार्किंग में मेरी कार खड़ी है, यहाँ से हम निकलने वाले हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और आज दिल्ली पहुँचने का प्लान है। नोएडा सेक्टर 2 147 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, 2 घंटे 29 मिनट का। बोलिए बजरंग बली की जय। फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे पे हूँ मैं। ये वही एक्सप्रेसवे है जिसपे एरोप्लेन भी उतर सकता है। बहुत ही सही एक्सप्रेसवे है ये, ऐसे तो आगरा तक जाती है, आप सब जानते ही होंगे इसके बारे में। मैं इस पे तीसरी बार जा रहा हूँ। सबसे पहली बार जब मैं लखनऊ गया था अपने बाइक से, मैं और अमित ने एक रोड ट्रिप किया था बाइक से, तो उस वक्त इसी एक्सप्रेसवे से गया था। और पता है इस पे बाइक वालों का भी टोल लगता है, कार वालों की तो बात ही अलग है। उसके बाद दूसरी बार मेरे जीजा जी की सिस्टर की शादी थी तो कार लेके जाना था बिहार, तो दिल्ली से बिहार गया था। और आज तीसरी बार अपनी कार से आ रहा हूँ, अपने ग्रैंड आइटन से। तो अगर देखा जाए तो अपने कार से पहली बार मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे आया हूँ। यार एक्सप्रेसवे पे चलाने का एक अलग मजा है, ये आप लोग भी जानते हो राइट। तो अभी इसका मजा लेता हूँ मैं, ज्यादा नहीं 80-90 की स्पीड में ही मैं चलूंगा। और साथ ही साथ मेरे साथ चल रही है एक कहानी, गैंगिस्तान का पॉडकास्ट सुन रहा हूँ स्पॉटिफाई पे, और मुंबई गैंग वॉर के बारे में काफी डिटेल में रिसर्च करके वो पॉडकास्ट बनाया गया है। तो बस एक कहानी चल रही है, मेरी कार चल रही है और ये सफर चल रहा है यमुना एक्सप्रेसवे का। ये फास्टैग में पैसे डाले हुए हैं, फिर भी पता नहीं यहाँ पे ब्लैकलिस्टेड दिखा रहा है। कभी कभी भैया ने बताया कि आईसीआईसी का सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे घटिया सर्विस है इसका, हमेशा मुझे ऐसे प्रॉब्लम होती है। चलो थैंक यू भैया। आईसीआईसीआई फास्टैग का सर्विस बहुत खराब है, मैंने जब से यूज करना शुरू किया है ना हमेशा प्रॉब्लम हुई है मुझे। तो गाइस पहला 1000 किलोमीटर मैंने अपने इस ट्रिप का कंप्लीट कर लिया है, और जैसा आप जान रहे हैं मैं अभी चल रहा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे। चीयर्स टू 1000 किलोमीटर ऑफ माय दिस रोड ट्रिप। अभी 6:30 हो रहे हैं, मुझे भूख लग गई है। आज पूरे दिन में बस एक जो थाली खाया था मैंने खराब सा, वही खाया हुआ हूँ। और एक्सप्रेसवे का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है ना कि आसपास में कुछ भी नहीं होता, ढाबा वगैरह जैसे हाईवे पे होते हैं। तो अभी लकली मेरे को ये ढाबा दिखा है, लेकिन देखिए ये रोड के ऊपर बैरियर्स लगे हुए हैं, जो कि अच्छा भी है सेफ्टी पर्पस के लिए, दिस इज वेरी गुड। लेकिन इसको क्रॉस करके जाता हूँ ढाबे पे, देखता हूँ अगर कुछ खाने को मिलेगा। भैया कुछ है क्या, समोसा वगैरह है? कहाँ पे? 6-7 मिनट टक्कर सिटी है, वहाँ जाके मिलेंगे। इनके पास सिर्फ खाना ही था, पॉसिबल नहीं है कि इस समय मैं खाना खाऊं। अफजल के रिसेप्शन में भी जाना है मुझे आज। चलो आगे देखते हैं, 6-8 किलोमीटर आगे अगर कुछ मिलता है तो वहां पे कुछ खा लेंगे रुक करके। अभी कार में आया हूं तो मुझे एक चीज याद आया, जब मैं निकल रहा था तो मम्मी ने कुछ काजू बर्फी और पेड़े दिए थे। अभी मैंने इसको पीछे से निकाला, ये देखिए ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है। रोड के उल्टे साइड देखो, ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। मैं जब कॉलेज में था तो एक बार विजिट करने आया था यहाँ पर भी। इसमें दिखा रहा है 42 मिनट का जर्नी अभी और बचा है। भाई भाई पूरे 2 दिन के बाद फिर से मिल रहा हूँ मैं भाई से। फिलहाल आज अफजल का रिसेप्शन है, पहुंच गया हूँ मैं अभी नोएडा में सेक्टर 51 में। यहाँ दिल्ली पहुंचा, उसके बाद अपने भाई के घर पे गया, फटाफट गर्म पानी से नहाया। सर अभी भी थोड़ा दर्द हो ही रहा है, पता नहीं थोड़ा एग्जॉशन बहुत ज्यादा हो गया उसकी वजह से, लेकिन फटाफट रेडी होके अभी इधर आए हैं, चलते हैं अफजल के रिसेप्शन में।
अभी बाहर बोल रहा था कि मैं चिकन नहीं खाऊंगा, आज मंगलवार है, राइट नाउ ही इज हैविंग चिकन। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद खा सकते हैं। नया लॉजिक है, सूर्यास्त के बाद खा सकते हैं। और मुझे भी कह रहा है कि भाई चलता है खा ले। तो ये मैंने अपने लिए मंगवाया है कॉफी, साथ में सूप। भाई देखो चिकन पे चिकन दबाया जा रहा है। अभी तू भी खाने वाला था? नहीं मैं नहीं खाऊंगा भाई। अभी तू खाएगा देख। मेरा ईमान पक्का है मैं नहीं खाऊंगा। 15 मिनट बाद तू खा रहा होगा। तो वर्ल्ड वार हो गया, कुछ हो गया, बड़ी दुर्घटना हो गई, साग सब्जी बचेगी? जो मिलेगा वो खाएंगे विचार। पर वैसे भी हो गया, एक घंटा तो बचा ही है, वेडनेसडे लग जाएगा, संध्या हो गई, महाभारत तक रुक जाती थी यार, लड़ाई रुक जाती थी सूरज ढलते ही। पॉइंट है यार, बंदे में पॉइंट है। अब मुझे लगता है कि खाना पड़ेगा मुझे भी। चिकन है, बटर चिकन, मलाई कढ़ाई चिकन, मटन है, मटन कोरमा, मटन निहारी, खमीरी रोटी के साथ, भाई कैसे मिस कर सकता है ना? खाते हैं चल, मैं कन्विंस हो गया। अभी सभी लोग अफसल के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, हम लोग भी जाने वाले हैं, लेकिन सब जब ये महिला मंडल खत्म हो। केक आ गया क्या? अबे केक भी आ गया, चल 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 चल, केक भी आ गया, उसके बाद तो फोटो खिंचवाने के लिए ना मिलेगा। चल चल, ये लौंडा तो ऐसा है, मतलब हर फोटो में आऊंगा। शादी में भी बैठ गया था साइड में जाके, याद है? और अभी भी बैठा, इसको खींच के लाए हम। अभी हमारा फोटो शूट हो गया, थोड़ी देर में केक पे कट होगा, वो देखते हैं। अच्छा आप देखिए, भाई ने बहुत कोशिश किया मुझे कन्विंस करने का कि मैं नॉन वेज खा लूं। अभी भाई खुद वेज खा रहा है क्योंकि मैंने कन्विंस कर दिया कि वेज खाओ। Good. Go on. Cake cutting समारोह समाप्त। तो ये है हमारा डिनर। मैंने वेज लिया है, इसने नॉन वेज लिया है। मैंने अपने इच्छा शक्ति पे काबू कर लिया, मैंने कहा नहीं वेज ही खाएंगे। ये हमारा भाई अफजल, शादीशुदा हो चुका है, हमारे गिरफ्त से बाहर हो चुका है अब ये। क्या भाई, पहले हमारा दोस्त था, अब किसी का हस्बैंड, अब तेरे हंसने पे बैन लग गया भाई। नहीं नहीं पूरा मैं। चल तो अब निकले। चल बाय। चल ठीक है भाई, और कंग्रेचुलेशन जल्दी। तो अब यहाँ से निकलते हैं, रात भी काफ़ी हो रही है और दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर के है ना, रात को थोड़ा कर्फ्यू वगैरह लग जाता है। तो ये था अफजल की शादी और रिसेप्शन, दोनों निपटा दिया, एक दिन कानपुर में एक दिन दिल्ली में। लौंडा हमारे हाथ से निकल गया क्या भाई? लेकिन इसने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया आज। अच्छा, चिकन खाया इसने। हो चुकी है 12 बज गए, अब तो हो गया 12 बज गया। मैंने घर में होते हैं ना, जब हम लोग घर वालों के साथ होते हैं तो फॉलो कर लेते, जब बाहर अकेले रह रहे हो तो यार क्या दिन है क्या नहीं कुछ पता नहीं चलता। इसने कन्विंस कर लिया था मैं खा लेता चिकन, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं कंट्रोल। कितने दिनों बाद, आई मीन कितने सालों बाद मैं नोएडा में फिर से आया हूँ वापस। और सच बताऊं तो नोएडा बहुत चेंज हो गया है, जब मैं कॉलेज में था और अभी के टाइम पे नोएडा इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अभी मैं जा रहा हूं अपने भाई के रूम पे, वहीं पे आज सोएंगे और सोच रहा हूं कि कल पूरा रेस्ट करूंगा। तो शादी खत्म, बैक टू नॉर्मल लाइफ। बहुत अच्छा लगा अफजल तेरी शादी में, बहुत मज़ा आया, फैमिली का हिस्सा बन के फंक्शंस अटेंड करना एक बहुत ही अच्छा नया एक्सपीरियंस था। और स्पेशली भाभी के लिए आपको बहुत अच्छा लड़का मिला है, बहुत ही सीधा है अफजल, सारी बातें मानेगा आपकी। थैंक यू आप सभी को। और पवन बहुत अच्छा लड़का है यार, बहुत मज़ा आया तेरे से मिलके, बहुत सालों बाद हम लोग मिले। आई थिंक अराउंड 2012 या 2013 में हम लोग मिले थे, याद है ना, बिफोर आफ्टर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पवन तेरे साथ, बहुत मज़ा आया, बहुत हंसे हम लोग, बहुत हमें याद रहेगा ये। जल्दी उम्मीद करता हूँ तेरे से मिलने की दोबारा, और इसी तरह से घूमता रहे, एक्सप्लोर करते रहे। और बहुत अच्छा चैनल है तेरा, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू, बाय बाय।